महकारे महका मनये मधुर मधुर मध्यम मध्यम कूके रे मन की कोयल सांसों की बगियन बगियन जल मेरे जल से बस क्या रही हो चलो भागो जाओ चू मेरे मोती क्यों रे ये सुबह सुबह घर के सामने भीड़ क्यों लगा रखी है तूने हाँ पानी किसने डाला इसमें पानी किसने डाला इसमें ऐसे क्या देख रहा है पानी किसने डाला पूछ रहे हैं तो बोलता क्यों नहीं कि मैंने डाला क्या तुमने डाला तुम सब ने इसमें पानी डालकर बड़ा ऐसी किया। बात नहीं है जाते समय कहकर गई कि उसके अंदर एक जान है पानी डालने के बाद पता चला कि किसकी जान है सब लोग अपने काम पर लग जाओ तुम भी जाओ हाँ, मैं भी जाओ। जा रहा हूँ कुछ काम धंधा है नहीं मैडम कोई मुन्ना आपसे मिलने आए हैं क्या पढ़ती हो बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर हाँ क्या तुम आगे भी पढ़ना चाहोगी आईएएस बनना है अच्छा तो उसमें कॉन्सेंट्रेट किए बिना एग्रीकल्चर स्टूडेंट की तरह मिट्टी में बीज डालकर पौधे उगाती रहती हो इसी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करती तुम मैं चुप रहो और मेरी बात कान खोलकर सुनो देखो मेरे पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए हैं मुझे मारने के लिए समझ गई तुम अगर तुम मेरे साथ घूमोगी तो तुम्हारी भी जान को खतरा होगा क्या फायदा इसका ये सब जानकर ही आपसे प्यार किया था लेकिन आप तो बड़े डरपोक निकले आप मेरी जान की चिंता क्यों करते हैं मैं आपको प्यार करूंगी तो और 200 साल जीऊंगी ए क्या मुसीबत है क्या मुसीबत है मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता अर्चना लेकिन आप अच्छू कह सकते हैं देखो मेरे सर पर मौत खड़ी हुई है मैं पार्क में इस तरह नहीं घूम सकता हूँ अच्छा है अब क्या हुआ इस तरह हंस क्यों रही हो आपका एग्जांपल क्या कहा क्या मैं तुम्हें कोई जोकर लगता हूँ क्या चिल्लाइए मत फ्रेंड्स देख रही हैं शर्म आती है तो मेरा पीछा करना छोड़ क्यों नहीं देती हो क्या मुसीबत है बात सुनो मैं प्यार करने की स्थिति में नहीं हूँ आपको प्यार करने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं पागल पागल पढ़ाई खत्म करके माँ बाप के बताए हुए लड़के से शादी कर लो समझ गए ना तुम पढ़ाई नहीं करनी है प्यार व्यार करने चले हो अरे प्यार पता चल जाएगा चार दिन में असली जिंदगी में कितनी मुश्किलें हो जाती हैं आटे दाल का भाव पता चल जाएगा फोन करो एसएमएस करो यही प्यार होता है क्या हुआ वो नाराज होकर क्यों चला गया ऐसा नहीं है वो मुझे किस करने को कह रहा था मना किया तो नाराज होकर चला गया वॉचमैन घूर घूर के देख रहा था ना इसलिए मुझे शर्म आ रही थी वरना उसे किस कर देती चलो भाई इस बार भी नहीं आया क्यों शेरू अंदर बड़ी तकलीफ हो रही है क्या उसके जिंदा होने से तकलीफ हो रही है उसे मारे बिना क्या कर रहे हो सारे मिलके तमाशा देख रहे हो क्या शर्म नहीं आती है, है? अभी तक नहीं मरा क्यों काशी क्यों भानु सिंह शेर बंदूक की एक गोली और चाकू का एक वार बस मौका नहीं मिल रहा इसलिए तुम लोग यहाँ आकर मेरा खून मत जलाया करो आ जाते हो मनहूस की तरह यहाँ पे शक्लें लटकाए हुए मैं यहाँ जेल में सड़ा और तुम लोग कुछ नहीं पड़ी है और एक बात याद रखना बिना उसके मौत की खबर लाए मुझे शक्ल मत दिखाना तुम लोग एक काम नहीं कर सकते हो मेरा ए, चुप रह तू बताएगा मुझे टाइम तुम क्या सोच रहे हो मैं शेरू से नहीं मिलना चाहता
लेकिन पहले उस मुन्ना को खत्म करूंगा, तभी मैं चैन से बैठूंगा। इसी वैराग में जी रहा हूं मैं। पांडे, कल कोर्ट का फैसला है। अगर मुझे सजा हुई तो तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि मैं क्या करूंगा। बचना नहीं चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो, कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ जी, हम आपका काम करते हैं, लेकिन आप मुसीबत में कभी हमारे काम नहीं आते, मालूम है? इन बातों के लिए समय नहीं है पांडे, तुम अपना काम करो पहले। तेरी गाड़ी है क्या? पढ़ चल, पढ़ 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 जल्दी कर। ये आपकी संपत्ति है, जवाब दे। पढ़ चल, पढ़ 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 जल्दी कर, चल पढ़। इसका ख्याल रखें, पढ़ चल, पढ़ 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 क्या लिखा है, पढ़। तुम सब लोग, बस के टिकट में अगर 10 पैसा भी बढ़ जाए तो तुम्हारा पेट दुखने लगता है। और जब लोग बस चलाने आते हैं तो तमाशा देखते हो। लोग बम फोड़ने आते हैं तो भी तमाशा देखते हो, खून करते हैं तो भी तमाशा देखते हो। घर जाओ, कुछ नहीं हो सकता, जाओ यहां से। इसी तरह एक ना एक दिन हर इंसान को जागना ही होगा। छोड़ना नहीं। ए, क्या रे, क्या किया उसने? कुछ नहीं, एक छोटी पंचायत में मकान मालिक को खत्म कर दिया। क्यों भाई? अरे भाई, बार बार धमकी दे रहा था, खत्म करने की बात कर रहा था। अच्छा है, किस्सा खत्म करने की जगह उसे ही खत्म कर दिया। वो बहुत देर से हमें घूर घूर कर देखे जा रहा है, आखिर बात क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे घूर कर ही तो देख रहा है, और क्या कर रहा है, छोड़। इसे यहाँ से ले जाओ और जीप में बैठाओ। हेलो सर, आप कौन है? यहाँ खड़ा होना मना है, जाओ यहाँ से। सुनिए सुनिए, अरे हम चले गए तो इस कोर्ट में काम नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे इस बिल्डिंग में? स्कूल चलाओगे क्या? अरे जरा समझा करो यार, तुम लोग भी बस ऐसी बात करते हो। चलो यहाँ से जाओ। सर आप जाइए। वकील इधर आ। लगा हुआ जैसे पेंसिल को पैंट शर्ट पहना दिया ऐसा ही दिख रहा है वो। इधर आ। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ ये रोड किधर जा रही है। ये रोड नहीं है, कोर्ट है। चल चल अंदर जा, अंदर जा, कोर्ट में जा, जज बुला रहे। हेलो। हेलो पांडे, कहाँ पहुँचे तुम? मैं कोर्ट में हूँ, अपने लोगों की जमानत कराने आया हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या क्या हो गया, आखिर में उसने सब बर्बाद कर ही दिया। बाद में बात करता हूँ, चलो। जमानत का क्या हुआ? वो अभी नहीं हुआ, अगस्त 14 के बाद। क्यों? कोर्ट की छुट्टी है। अपनी अंग्रेजी यही झाड़, अंदर जाकर यस योर ऑनर के सिवा कुछ नहीं बोलता ये। कहाँ है का वकील? ए, हमारे लिए कोर्ट नया है क्या?
एक केस और सही, चलो खत्म कर देते हैं साले को। हाँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।